नमस्कार, मैं सिंगापुर से डॉक्टर आशुतोष बोल रहा हूँ। कोरोना अब हमारे साथ रहेगा, ये बात तो अपन सब लोग समझ गए। अब कोरोना के साथ जिया कैसे जाए बिना डरे, उसी के ऊपर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये वायरस जो है वो नाक और मुंह के द्वारा ही शरीर में प्रवेश लेता है, तो मास्क पहनना बहुत जरूरी है। मास्क ऐसा खरीदिए जिसके ऊपर एक बेसिकली एल्यूमिनियम की छोटी सी पट्टी हो, क्योंकि हमारे नाक अलग अलग हैं, किसी का खड़ा नाक है, किसी का चपटा नाक है, तो ऊपर से भी हवा जा सकती है, इसलिए वो एल्यूमिनियम की पट्टी को हम दबा देते हैं नाक के ऊपर और वो मास्क बेसिकली नाक का शेप ले लेता है ताकि ऊपर से हवा नहीं जाए। डिस्पोजेबल मास्क यूज करना चाहिए ताकि शाम को उसे फेंक दिया जाए। तीसरे नंबर में सैनिटाइजर एक बोतल जेब में रखनी चाहिए ताकि जाने अनजाने में हम कभी भी गलत चीज को टच कर जाएं, तो हर दो घंटे में अगर हम नियम पूर्वक अपने हाथों को एल्बो तक, क्योंकि हमारे हाथ खुले होते हैं तो हाथ और एल्बो तक अगर हम हाथ को सैनिटाइज करते हैं तो कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपको एक चीज और समझनी है कि जब सभी लोग मास्क पहन के घूम रहे हैं तो अगर जाने अनजाने में, आप समझ लो कि बहुत ज्यादा कोरोना नहीं है, हमारी बस्ती इतनी बड़ी है कि ये आप किसी कोरोना वाले व्यक्ति से टकरा जाएंगे, ऐसी संभावना बहुत कम रहने वाली है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको सिर्फ एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। गलती से किसी के नजदीक भी आ गए तो उससे डरना नहीं है, क्योंकि आप दोनों ने मास्क पहना हुआ है, तो दोनों ने मास्क पहना है तो रोग, अगर एक आदमी रोगी है